एक गांव में एक कंजूस सेठ रहता था। वो इतना ज्यादा कंजूस था कि हफ्ते में एक बार ही नहाता था जिसे साबुन बच सके। इसी के साथ वो दिन में एक बार ही खाना खाता था। यही नहीं, उसने बच्चे भी नहीं किए क्योंकि उनका खर्चा भी बच सके। वहीं घर में नौकर भी नहीं थे, सभी काम उसकी पत्नी करती थी। एक दिन की बात है, उसकी पत्नी लक्ष्मी ने कहा, अजी सुनिए, आप इतनी कंजूसी क्यों करते हैं? इतनी कंजूसी करना अच्छी बात नहीं है। अरे मैं कंजूसी कहाँ करता हूँ, बचत करता हूँ, इसे बचत कहते हैं। हाँ, आप जो भी करते हैं पर इतना करना ठीक नहीं है, भला इतने पैसों का करेंगे क्या आप? अरे भाग्यवान, कंजूसी कर करके ही मैंने 5 लाख रुपए जमा कर पाए हैं, समझी तुम? पर इतने सारे पैसों का होगा क्या? अरे भाग्यवान, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो ये पैसे हमारे काम आएंगे। हाँ वो तो ठीक है, पर फिर भी आपको इतनी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, कम से कम मेरा तो ध्यान रखिए। क्या ध्यान रखूंगा, रखता तो हूं, और वैसे भी इतनी कंजूसी करके ही मैंने 5 लाख रुपए जमा किए हैं। ये सुनकर लक्ष्मी चुप हो गई क्योंकि उसे पता था कि उसका कंजूस पति मानने वाला नहीं है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, उसकी कंजूसी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी, जिस वजह से लक्ष्मी काफी ज्यादा परेशान रहती थी। उसे पता था कि इतनी कंजूसी अच्छी नहीं है। और एक दिन की बात है, सेठ ने लक्ष्मी से कहा, अरे भाग्यवान, मछली खाने का मन कर रहा है तो तुम मछली बना दो। हाँ, बना दूंगी, आप बाजार से मछली ले आइए, तब तक मैं सामान तैयार रखती हूँ। हाँ तुम सामान तैयार रखना, मैं अभी बाजार से जाकर मछली लेकर आता हूँ। हाँ पर जल्दी आना क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप पहले पूरा बाजार घूमें और फिर मछली लाएं। अरे पहले मैं तो पूरा बाजार ही घूमूंगा, इसके बाद जो सबसे सस्ती मछली देगा उसी से खरीद कर लाऊंगा। आप नहीं सुधरने वाले, लगता है आज तो मछली बन गई। इसके बाद सेठ मछली लेने के लिए बाजार चला जाता है। बाजार पहुंचने पर उसने एक आदमी से कहा, अरे भैया मछली कैसे दे रहे हो, और ये बड़ी वाली मछली कैसी है? ये मछली 50 की है। क्या इतनी महंगी? अरे 40 में दे दो। नहीं, 40 में नहीं मिलेगी, जाओ यहाँ से। सभी को पता है कि तुम कितने कंजूस हो, खरीद ली तुमने मछली। ठीक है, मैं आगे जाकर देखता हूँ। और सेठ ये कहकर आगे बढ़ जाता है तो थोड़ी दूर पर उसे एक और आदमी मिला। उसने उससे कहा, अरे भैया मछली कैसी दी? भैया 30 रुपए में दी। क्या 30 रुपए में? ये तो बहुत महंगी है, 20 में दो। नहीं, मैं तो एक ही दाम बेचता हूँ, अगर लेना है तो बताओ, वरना आगे बढ़ो। और वैसे भी यहाँ से थोड़ी दूर जाने पर तुम्हें 20 में भी अच्छी मछली मिल जाएगी। क्या क्या तुम सच कह रहे हो? तो मैं वहीं जाता हूँ। और ये कहकर सेठ और आगे बढ़ जाता है। तभी उसे एक औरत दिखाई देती है और वो उससे कहता है, अरे बहन जी, ये मछली कैसे दी? अरे भैया ये मछली 20 की है, अभी अभी लाई हूँ ताजी। अरे क्यों झूठ बोल रही हो, ये तो 10 में मिल जाएगी। नहीं, इतनी बड़ी मछली 10 में कौन देता है? लगता है तुम हमारा टाइम खराब करने आए हो। अगर सस्ती मछली चाहिए तो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर समुद्र के किनारे जाओ, वहां पर मिलेगी। पर वो तो बहुत दूर है, इतनी दूर कौन जाएगा, तुम ही दे दो ना 10 रुपए में। नहीं, मुझे नहीं देनी है, अगर सस्ती लेनी है तो वहीं जाओ। ये सुनकर सेठ ने अपने आप से कहा, जब इतनी दूर आ ही गया हूं
तो थोड़ी दूर और चला जाता हूँ, कम से कम सस्ती तो मिल जाएगी। और यही सोचकर वो समुंदर के किनारे आ गया। सूरज ढल चुका था और शाम होने ही वाली थी। सेठ ने वहां पर देखा कि एक मौसी मछली बेच रही थी। उसने उससे कहा, अरे मौसी, मछली कैसे दी? 10 रुपए की है। अरे इतनी महंगी मछली कौन देता है? वैसे भी ये बासी है, तो 5 में दे दो। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, और मेरी मछली तो ताजा है। अरे 5 में ही दे दो, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। लगता है तुम्हें फ्री में ही मछली लेनी है। अगर फ्री की ही लेनी है तो समुद्र में जाओ, वहाँ बहुत सारी मछलियाँ मिल जाएंगी। वैसे भी अभी एक जहाज आ रहा है। ये सुनकर सेठ उसी तरफ चला जाता है और जहाज पर बैठ जाता है। जहाज समुद्र के बीचों बीच पहुंचता है, तभी अचानक उसका पैर जाल में फंसकर टूट जाता है। ये देखकर सेठ बहुत ज्यादा परेशान हुआ, क्योंकि अब मौसम भी खराब होने वाला था, और उसने नाविक से कहा, अरे भैया नाव को रोक दो, मेरा पैर टूट गया है। नाव तो अब नहीं रुक सकती, नाव तो अब नहीं रुक सकती, और वैसे भी मौसम खराब होने वाला है, तो मैं तैरकर जा रहा हूँ, अब तुम कैसे जाओगे? ये सुनकर सेठ बहुत ज्यादा परेशान हुआ और अपने आप से कहा, इससे तो अच्छा था कि मैं 40 रुपए वाली ही मछली ले लेता, कम से कम इस मुसीबत में तो नहीं फंसता। तभी अचानक नाव पलट जाती है और उसका हाथ भी उसमें दबकर टूट जाता है, जिससे वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वहीं समुद्र के किनारे खड़े कुछ लोग उसे बचा लेते हैं और डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर ने सेठ को देखा तो उसने कहा, तुम्हारा पैर तो टूट गया है और हाथ भी टूट गया है, इन्हें सही करने के लिए ऑपरेशन करना होगा। क्या ऑपरेशन? पर ऑपरेशन में कितने पैसे लगेंगे? पूरे 5 लाख लगेंगे। अगर कोई और होता तो मैं 6 लाख लेता। क्या 5 लाख? तभी वहां पर लक्ष्मी आ जाती है और सेठ से कहती है, अजी दूसरे डॉक्टर को देख लेते हैं, वो शायद 4 लाख में ही कर दे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? पर तुम्हारी बात भी सही है, पर अब मुझे कहीं नहीं जाना है, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि ज्यादा कंजूसी का फल क्या होता है। अब मैं कभी भी कंजूसी नहीं करूंगा। ये सुनकर लक्ष्मी बहुत खुश होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी ही कहानियां देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। रंगपुर नाम का एक बड़ा हसीन राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम चित्रसेन था और रानी का नाम मधुमती था। उन्हें एक लड़की थी जिसका नाम राजकुमारी वसुमती था। राजा और रानी बहुत दयालु और अच्छे थे। वो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। राज्य के सभी गरीब लोगों का वो ज्यादा ख्याल रखते थे। लेकिन उनकी बेटी राजकुमारी वसुमती बहुत ज्यादा गुस्से और घमंडी थी। राजा रानी ने उसके लिए एक दासी रखी थी। राजकुमारी दासी पर बहुत गुस्सा करती थी, फिर भी दासी राजकुमारी से बहुत प्यार करती और अच्छे से उसका ख्याल रखती थी। रानी वसुमती को बहुत समझाती थी कि इस तरह से किसी पर गुस्सा करना और मन में घमंड रखना अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर भी राजकुमारी सुधरती ही नहीं थी। एक दिन दासी बीमार पड़ गई और उसने रानी से पूछकर 2 दिन की छुट्टी ले ली। और अपनी जगह अपनी बेटी को राजकुमारी का ख्याल रखने के लिए भेजा। जैसे ही दासी की बेटी अंदर आई, उसे देख राजकुमारी गुस्से से बोली, माँ
ये बदसूरत लड़की कौन है? यहाँ क्यों आई है? अरे अरे, ऐसा किसी के बारे में बुरा नहीं कहते बसुमती। ये अपनी दासी की बेटी है। दासी बीमार है, इसलिए उसने अपने बेटी को भेजा है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। ये कितनी काली और मोटी है, मुझे इससे कोई सेवा नहीं करवानी। इसे कहो कि अभी के अभी मेरे सामने से चली जाए। ये कहीं नहीं जाएगी यहाँ से, ये मेरा आदेश है। राजकुमारी रूठ जाती है। अपनी माँ के आगे कोई बस नहीं चलता, इसीलिए दो दिन दासी की बेटी से चुपचाप सेवा करवाती है। दो दिन बाद दासी आती है और उसकी बेटी चली जाती है। थोड़े दिन में राजकुमारी का जन्मदिन आता है। रानी अपने सभी सहेली, दास दासियों, महल के अंदर बाहर के सभी लोगों को जन्मदिन पर बुलाती है। दासी को राजकुमारी वसुमती के जन्मदिन के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए उसने अपनी बेटी से राजकुमारी के लिए एक सुंदर सी फ्रॉक सिलाई और अच्छे से पैक करके जन्मदिन पर ले आई। दासी रानी के पास गई और रानी को अपनी बेटी ने सिलाई हुई फ्रॉक दिखाई। रानी को वो फ्रॉक देखकर बड़ी खुशी हुई, क्योंकि वो थी ही खूबसूरत। अरे वाह दासी, इतनी अच्छी फ्रॉक बनाती है तेरी बेटी। हमने जो राजकुमारी के लिए फ्रॉक बनवाई है, ये तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। हाँ, राजकुमारी को भी बहुत पसंद आएगी। दासी, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी ना? रानी जी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? हम भला आपका क्यों बुरा मान सकते हैं? आप बोलिए। देखो, तुझे तो पता है ना, वसुमती तुम्हारी बेटी से कितनी नफरत करती है। तो ये फ्रॉक उसने बनाई है ऐसा कहेंगे तो वो पहनेगी नहीं, और तुम्हारी बेटी को बुरा लगेगा। उसने इतनी मेहनत से फ्रॉक बनाई है। तू वसुमती को कुछ मत कहना, सिर्फ ये तोहफा दे देना। हाँ रानी जी, मेरे मन में भी यही ख्याल आया था, लेकिन आपको कहने से मैं डरती थी। आपने जैसा कहा वैसा ही होगा। बड़े धूमधाम से राजकुमारी का जन्मदिन होता है। बहुत सारे तोहफे देखकर वो बड़ी खुश होती है। दूसरे दिन सुबह राजकुमारी सारे तोहफे खोलकर देखने लगती है, तो उसे वो दासी की बेटी ने सिलाया हुआ फ्रॉक मिलता है। इतना कमाल का फ्रॉक देखकर वो खुशी से झूम उठती है और दौड़कर रानी के पास जाती है। वहां दासी भी होती है। माँ, माँ, क्या है वसुमती? माँ, ये देखो ना, कितनी अच्छी फ्रॉक है। कल मैंने जो पहनी थी ना, ये तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। बताओ ना माँ, ये किसने दी है? ये ना रानी जी की सहेली ने बनवाई है, खास आपके लिए। सच, कितना सुंदर बनाती है ना। माँ, अपनी सहेली को कहो ना कि मेरे लिए ऐसे ही सुंदर सुंदर से कपड़े सिलाए। कहो ना माँ। देखो वसुमती, मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। ये फ्रॉक मेरी सहेली ने नहीं बनाई है। तो किसने बनाई है फिर? ये जो हमारी दासी है ना, उसकी बेटी ने बनाई है। तुम उससे नफरत करती हो, इसलिए दासी ने तुमसे झूठ बोला। अब तुम ही सोचो वसुमती, तुम उससे इतनी नफरत करती हो, फिर भी उसने दिन रात मेहनत करके तुम्हारे लिए फ्रॉक बनाई।
तुम्हारे गुस्से के कारण तो बेचारी जन्मदिन पर भी नहीं आई। मुझे माफ करना दासी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे अभी के अभी आपकी बेटी से मिलना है, मुझे वहां ले चलो। नहीं राजकुमारी, मैं उसे सब कह दूंगी, आप चिंता मत करो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे उसके पास जाना ही है, अभी के अभी। अगर वो इतना कह रही है तो ले जाओ। मुझे माफ करना दोस्त, तुम बहुत खूबसूरत हो। सच्ची? हाँ, उस फ्रॉक से भी ज्यादा खूबसूरत। राजकुमारी दासी की बेटी के गले लगकर रोती है, दासी की बेटी उसके आंसू पोंछती है। आज से हम दोनों दोस्त हैं, और तुम मेरे साथ खेलने के लिए जब चाहो तब महल में आ सकती हो। सच? मैं हमेशा आपके साथ खेलने के लिए आपके महल में आऊंगी, और आते समय आपके लिए सुंदर सुंदर फ्रॉक सिला कर लाऊंगी। इस घटना का राजकुमारी वसुमती के मन पर गहरा असर पड़ गया। वो पूरी तरह से सुधर गई और अपने माता पिता की तरह अच्छी और दयालु बन गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बाहरी खूबसूरती से भी ज्यादा अंदरूनी प्यार और खूबसूरती बहुत महत्वपूर्ण होती है, और हमें हमारे जीवन में किसी भी चीज पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए।